हेलो दोस्तों, आज आप लोगों को दिखाऊंगा कि इस टाइप की स्टेटस कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आप लोगों को एक एप्लीकेशन की ज़रूरत होगी जिसका नाम है बीटसैंक। ये इसको आप लोगों को डाउनलोड कर लेना है ये एप्लीकेशन, और इसको ओपन करना है। इसको ओपन करने के बाद जो प्लस का आइकन दिख रहा है इसमें क्लिक कर देना है, और इसको क्लिक करके आप लोगों का जो फ़ोटो है, कुछ फ़ोटो सिलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों, मैं अपना जो फ़ोटो है सिलेक्ट कर लेता हूँ। दोस्तों, फ़ोटो सिलेक्ट करने के बाद ऊपर में जो नेक्स्ट का आइकन दिखाई दे रहा है उसमें क्लिक कर देना है। दोस्तों, अभी जो दिखाई दे रहा है नीचे में जो थंडर लिखा हुआ है इस साइड में, इसमें स्लाइड करोगे तो सारे जो टेम्पलेट से एक एक करके आप लोग चेक कर पाओगे। तो मैं इस वीडियो के लिए एक टेम्पलेट चूज कर लेता हूँ। ये वाला जो टेम्पलेट्स हैं, लव अगेन, ये वाला बहुत ही अच्छा है। आप लोग ये वाला सिलेक्ट कर लेना है, और इसको सिलेक्ट करने के बाद जो काइन मास्टर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आइकन दिखाई दे रहा है लोगो, उसमें क्लिक कर देना है। दोस्तों, इसको क्लिक कर देने के बाद ये जो वीडियो है ये काइन मास्टर में ओपन हो जाएगा। आपको परमिशन मांगेगा तो इसको यस कर देना है। उसके बाद काइन मास्टर में ये ऐड हो जाएगा। उसके बाद आपको काइन मास्टर में जाना है। दोस्तों, काइन मास्टर में आने के बाद आप लोगों को सबसे पहले अपना जो फ़ोटो है, जितने सारी फ़ोटोज ऐड हुआ है सारी फ़ोटो को एक बार चेक कर लेना है, और सही से क्रॉप करके सेटिंग कर लेना है, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। आप लोग भी अपना जो फ़ोटो है, जितने सारे फ़ोटोज ऐड किए हैं सारी फ़ोटो को इस तरह से अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। दोस्तों, अभी लेयर पे जाना है, मीडिया पे जाना है, और एक वीडियो ऐड करना है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ से जाके आप लोग डाउनलोड कर लेना। इसको फुल स्क्रीन कर देना है, और इस वीडियो को सिलेक्ट करके ऑप्शन ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाके इसको स्क्रीन कर देना है। इसके बाद फिर से लेयर पे जाना है, मीडिया पे जाना है, और एक वीडियो का जो बॉर्डर है वो बॉर्डर ले लेना है आप लोगों को, और इसको भी फुल स्क्रीन कर देना है, और इसका जो लेंथ है इसको भी बढ़ा देना है। दोस्तों, अभी फिर से लेयर पे जाना है, मीडिया पे जाना है, और एक TNG ऐड करना है। इसका भी लिंक दे दूंगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में, आप लोग डाउनलोड कर लेना है, और इसका जो लेंथ है इसको बढ़ा देना है, और इसको सही जगह एडजस्ट कर लेना है, और ऑप्शन ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाके इसको ओवरले कर देना है। अभी फिर से लेयर पे जाना है, मीडिया पे जाना है, और एक फाइनल चीज़ ऐड करना है जो है लाइट इफेक्ट। ऐड करने के बाद ये जो हमारे वीडियो है बिल्कुल कंप्लीट रेडी हो जाएगा। तो दोस्तों, इसको फुल स्क्रीन कर देना है, उसके बाद वीडियो को क्लिक करके ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाके स्क्रीन कर देना है, और इसका जो ओपेसिटी है थोड़ा कम कर देना है। तो दोस्तों, वीडियो हमारा जो है बिल्कुल रेडी हुआ है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो एक बार प्ले करके दिखाते हैं। We'll be right back.